नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे जो बहुत दो बुक इम्पॉर्टेंट बुक है जो एसएससी जेई के लिए मोस्टली लोग उस बुक को ले कर प्रिपेयर करते हैं। दोनों का हम कंपेयर बुक करेंगे और बताएंगे कैसा बुक है, दोनों बुक के बारे में किस किस एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है और क्या उसमें खामियाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। वो बुक का नाम है ये गुप्ता एंड आर एस खुरमी। ये दो बुक बहुत फेमस है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट इस बुक को बाय करते हैं। जैसे कोई भी छोटे छोटे से एग्ज़ाम, जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है, जेईएन का एग्ज़ाम होता है, एसएससी जेई हुआ, राजस्थान जेई हुआ, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए। इसमें क्या है ना, जो मेरी स्टैंडर्ड बुक होती है ना, स्टैंडर्ड बुक से हर लाइन जो होती है, मतलब बुक, उसको एक क्वेश्चन के तौर पर बुक में ये एस एस गुप्ता और आर एस खुरमी प्रिंट कर देते हैं, उसमें लिख के आंसर प्रिंट कर देते हैं। इसलिए वो जो पढ़ लेता है, इसलिए सारे क्वेश्चन मोस्टली आपको बुक में मिल जाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, कुछ चीज़ें और हैं जो बुक, मतलब आई थिंक, मतलब आर एस खुरमी के बारे में, आर एस खुरमी भी अच्छा, आर एस खुरमी में ये लेने से आपको ये चीज़ें और फ़ायदा है। आर एस खुरमी आप ले रहे हो ना, तो आर एस खुरमी क्या है ना, थोड़ा सा थ्योरी दे देता है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स दे देते हैं। आप जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बुक के अंदर आर एस खुरमी में थोड़ा सा वो दे देता है। मतलब मैं दिखाना चाहूँगा वो बुक, एक सेकंड वेट करिए। देखिए ये आर एस खुरमी का बुक है गाइस, और आर एस खुरमी के बुक में देखिए कहाँ पर क्या है। देखिए क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं देख रहे होंगे, और यहाँ पे देख, हम जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस आपको, वेट करिए। देखिए क्या किया इन्होंने ना, देखिए हाईवे का ये पूरा आप देख लीजिए, थ्योरी दे दिया है, देख सकते हो गाइस। और मैं देख, इनका ही एक चीज़ है आप गाइस, इसमें कहा आप रेलवे पढ़ लो, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे ना, इसमें थ्योरी बहुत अल्टीमेट दिया है गाइस। मतलब ये छोटे छोटे चीज़ें जो होती है ना एसएससी जेई एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ना, आस्क जो करता है ना, वो थ्योरी उठा के इसमें दे दिया है डायरेक्टली। आप उसको पढ़ोगे ना तो बहुत रिलाइज्ड होगा। मतलब ये बहुत सारे एग्ज़ाम में जो एसएससी जो स्टैंडर्ड बुक ना के बस इस क्वेश्चन को रट के जाए ना, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं और चीज़ें, प्राइस की बात किया जाए, प्राइस आई थिंक दोनों का सेम होना चाहिए। हाँ, नियर अबाउट 550 इसका है, 450 नियर अबाउट उसका है गाइज, तो मतलब वही 450 में आपको दोनों को बुक एक मिल जाएगा आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी साइट पर आपसे विजिट। अब दोनों का डिफरेंस बताते हैं गाइज, दोनों में डिफरेंस कहाँ है, जैसे आर एस खुरमी में और गुप्ता एंड गुप्ता में। एक तो पहला डिफरेंस बताइए, ये थ्योरी देता है, और गुप्ता एंड गुप्ता में थ्योरी आपको नहीं मिलती, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ने की नीड, और थ्योरी ये बहुत अल्टीमेट देता है गाइस। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें थ्योरी बहुत अच्छी दी है, थ्योरी में तो इन द सेंस टर्म्स जो छोटे छोटे होते जो एग्जाम में पूछते हैं एसएससी में, वो दिया है गाइस, जो कहीं नहीं मिलेगा, बहुत खोजना पड़ेगा। तो इसलिए गुप्ता एंड गुप्ता की खासियत क्या है, बहुत वो भी क्वेश्चन अच्छे देते हैं, और उसमें क्या है ना, ईएससी के प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन डालते हैं, ईएससी के ऑब्जर्व करिएगा गाइस, ईएससी के प्रीवियस ईयर बहुत सारे डाल देंगे उसमें, और ये चीज़ें नए क्वेश्चन उनके मिलते नहीं हैं, और गलतियां बहुत हैं गुप्ता एंड गुप्ता में ना, गलतियां बहुत मिलेंगी, बट आर एस खुरमी में गलतियां बहुत कम है गाइज। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने दोनों बुक को सही से डीपली देखा है गाइज, और ये चीज़ डिफरेंस है। और बातें किया जाए, जैसे इसकी प्रिंटिंग ठीक है, प्रिंटिंग की बात पढ़ना है तो प्रिंटिंग की क्या बात कर लिया जाए, प्रिंटिंग की बात। और चीज़ें जैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का बहुत सारा दिया हुआ, उसमें भी मतलब मोस्टली सारे सब्जेक्ट को दिया है गाइस। और इसमें और कुछ चीज़ें हैं गाइस, जैसे इसमें आपको मिल जाता है, जैसे आपको यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जाता है थ्योरी, और पूरे सारे सभी इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, स्टील डिजाइन, बहुत अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है गाइस इसमें, फॉर्मिंग
दोनों का पैटर्न ठीक है गाइस, दोनों का पैटर्न में क्या डिफरेंस है, ये भी फोर वाले ऑप्शन देते हैं या टू वाला ऑप्शन, यस या नो वाला भी इस पर देते हैं, और गुप्ता एंड गुप्ता थे, गुप्ता एंड गुप्ता लोग बहुत यूज करते थे गाइस। गुप्ता एंड गुप्ता से लोग कहते थे कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गाइस, बट हाँ पूछता था, बट ऐसा नहीं कि वो गुप्ता एंड गुप्ता से उठाते हैं, क्योंकि वो बुक से प्रिंटेड करते हैं और ये सब बुक का प्रिंटेड क्वेश्चन ही बनाते हैं गाइस। ये पूरा बुक तुम्हारे स्टैंडर्ड जो बुक होती है ना गाइस, उसको उठाते हैं और ये छाप देते हैं क्वेश्चन, वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन जो जो क्वेश्चन पढ़ने लायक होता है उसको बना देते हैं और बुक में यों को ही प्रिंट कर देते हैं गाइस। और सोल्यूशन की बात की, जो सोल्यूशन की बात किया जाए, सोल्यूशन देखिए आरएस खुरमी में नहीं मिलेगा गाइस, सोल्यूशन एकदम नहीं है आरएस खुरमी में, और गुप्ता एंड गुप्ता में सोल्यूशन है गाइस। इसमें सोल्यूशन के जैसे क्या है आरएस खुरमी में, अभी जो न्यू बुक लोगे पता ना, आई डोंट मतलब प्रीवियस ईयर का ये बुक है, तो उसमें सोल्यूशन है, और गुप्ता एंड गुप्ता में सोल्यूशन है, आरएस खुरमी में नहीं अच्छा से, उसमें गुप्ता एंड गुप्ता में बहुत सारे सोल्यूशन अच्छे दिए हैं जो समझ में नहीं आता, बट इसमें कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा खुरमी में गाइस। जैसे पीछे साइड कैसे क्या बना, न्यूमेरिकल कोई है नहीं आता है आपको, तो देखते हो सोल्यूशन में कैसा, बट उसमें दिया है गुप्ता एंड गुप्ता अच्छे से नहीं दिया, बट हाँ दिया है। और सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन मतलब ठीक ठाक दिया, ऐसा नहीं कि बहुत वैसा दिया है सोल्यूशन कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सको गाइज, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। और गुप्ता एंड गुप्ता की बात कर लिए, अब ओवरऑल देखा जाए ना हमारे हिसाब से, जो मेरी फीलिंग है, आर एस खुरमी बेटर देन गुप्ता एंड गुप्ता सीरियसली गाइज। अब कोई भी यूनिट उठा के पढ़ोगे ना आर एस खुरमी में, तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, मतलब आप एक टॉपिक का पढ़े स्टेयर का पढ़ोगे, स्टेयर का बहुत सारे क्वेश्चन पर सॉरिंग पढ़ते हो, बहुत सारे फॉर्म वर्क करते हो, फॉर्म वर्क में कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, कंक्रीटिंग में जैसे कितनी डेज के लिए होता है, ये सब चीज़ें, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा डीपली दिए, आप सी पी एम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सी पी एम पढ़ के दिए, मतलब रियलिटी बेस्ड पे दिए, मतलब अच्छे क्वेश्चन दिए हैं गाइज। आप आर एस खुरमी उठाते, गुप्ता एंड गुप्ता में नो डाउट दिया है, बट आई थिंक जो मैं फील किया ना गाइज ये बहुत अच्छा था। तो गाइज ये वीडियो आज कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।